इंडिया सीमेंट्स जेपी सीमेंट्स को खरीदता है तो जो अपना टारगेट है कैपेसिटी का FY31 तक, वो एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है, क्या वो अचीव कर पाएंगे, किस तरह की स्ट्रेंथ ऐड होगी? जी बिल्कुल, मैं पहले डिटेल्स बता दूं, दो अहम अनाउंसमेंट्स आए हैं। एक तो पहला हमने पहले ही शेयर किया था कि जो जेपी एसोसिएट्स के आपके आप सीमेंट कैपेसिटी ले लीजिए, क्लिंकर कैपेसिटी और पावर, इनको ऑलमोस्ट 9.4 टन्स पर एनम का जो है कैपेसिटी का अक्वायर किए, इसका एंटरप्राइज वैल्यू जो है सेपरेटली 5,666 करोड़ का रखा है। और दूसरा एक्विजिशन भी अभी अभी अनाउंस हुआ है कि वो उनकी जो नीलगिरी कैपेसिटी है वो लगभग 2 मिलियन टन्स पर एनम का है, उसको भी एक्वायर करेंगे 250 करोड़ रुपए में लेके। लेकिन जो पहला मेन एक्विजिशन है 5,700 करोड़ का जो ऑलमोस्ट है एक्विजिशन, उसके हमने जो है कैलकुलेशंस किए, उसके ट्रांसलेट ऑलमोस्ट $77 प्रति जो है पर प्रति शेयर आती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्टिकली ये थोड़ी चीप लग रही है, हालांकि कंपनी को स्पेंडिंग और करना पड़ेगा दालमिया भारत को, क्योंकि बहुत सारे डेट कंपोनेंट्स भी ज़रूर हैं इस डील में लेके। ओवरऑल अगर एक्विजिशन देखें तो सेंट्रल इंडिया में फोकस रहेगा, और इन दोनों कंबाइंड कैपेसिटीज़ को मैं बोलूं तो 11.4 मिलियन टन्स पर एनम आने वाला है। और एनालिस्ट का एक चीज़ और मानना है कि जो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में, वहाँ से भी कॉम्पिटिशन आ सकता है। तो इस हमको जो है वेट करना होगा डिटेल्स के बारे में, स्पेशली जो वैल्यूएशन का रहेगा उसमें डेट कॉम्पोनेंट कितना दालमिया भारत उसमें एक्ट करेगा, उस पर हमें इंपॉर्टेंट फिगर्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अभी ओवरऑल एनालिस्ट कह रहे कि वैल्यू एक्रेटिव लग रहा है। ठीक है, वैल्यू अक्रेटिव लग रहा है। शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी के लिए। तो और रिएक्शन भी आप देखें, दालमिया भारत भी ऊपर 3.5% ऊपर है, उनके कैपेसिटी एडिशन होने में हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। आज बाजार में अब क्लोजिंग के वक्त, अब जब हम देख रहे हैं